हेलो नमस्ते, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग? बहुत सारे लोग ये सोच रहे रहेंगे, अभी चल रहा है मॉनसून, बारिश हो रहा है अभी, और ये बारिश के सीज़न में मोटो ब्लॉग कैसे करें, क्योंकि मोटो ब्लॉग करने के लिए लगता है गोप्रो, और गोप्रो में अगर पानी चला गया तो फिर बड़ी दिक्कत आ जाती है। तो फिर उसके लिए क्या ऑप्शन है, उसके लिए कोई केस आता है या कुछ क्या आता है? तो उसके लिए एक जुगाड़ है, वो जुगाड़ मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा। तो गाइस देखिए, ये है मेरा एक्सोर का हेलमेट और इसमें मैंने लगाया हुआ है गोप्रो हीरो 8। सो अभी गोप्रो हीरो 8 में अगर आपको मोटो ब्लॉग करना है बारिश के टाइम पे, तो आपको ध्यान देना है कि यहाँ पे देखो, ये लगाया हुआ है मैंने यहाँ पे माइक अडेप्टर, और यहाँ पे है दो स्लॉट, ये है चार्जिंग के लिए और ये दूसरा स्लॉट है माइक का। सो उसके अपोजिट साइड में यहाँ पे आएंगे तो आपको यहाँ पे और एक वायर दिखेगा, जो कि है ये जो माइक अडेप्टर है उसका कनेक्शन इस कैमरा में जाता है, ये जो, तो उसका भी एक स्लॉट है यहाँ पे। तो यहाँ से भी मैं आपको दिखा देता हूँ, सो यहाँ से भी पानी जाने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। तो आपको ये एक और यहाँ पे ये दो, ये टोटल तीनों स्लॉट आपको बंद करने। तो अभी मैंने आपको बताया कि माइक अडेप्टर के यहाँ से पानी जा सकता है, और जो जो तीन स्लॉट मैंने दिखाए वहाँ से पानी जाने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। तो पानी को कैसे रोका जाए, तो पानी को रोकने के लिए आपको ज़रूरत पड़ेगी इस ब्लू टैग की, ये देखो। तो इस ब्लू टैग की ज़रूरत आपको पड़ेगी, इससे आप पानी को रोक सकते हो। ये आप परचेस करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ से परचेस कर सकते हो। सो अब चलिए मैं आपको दिखाता हूँ इसको यूज़ कैसे करते हो। चलिए अभी इसको अनबॉक्स करते, बड़ा कुछ है नहीं अनबॉक्सिंग, बहुत सिंपल सा है। सो ये कुछ अंदर कुछ इस तरीके का कुछ तो आपको मिलेगा, ये थोड़ा बहुत आपको जो क्ले वगैरह आता है ना छोटे बच्चों के लिए, कुछ इसी तरह का है, तो आपको लगेगा वैसे ही है, बट काफ़ी मजबूत है ये। सो अभी इसमें से ये तो पूरा आता है, तो इतना ज़रूरत नहीं अपने को। सो अपने को जितना ज़रूरत है उतना आपको यहाँ से इसमें से लेना है। तो अभी पहले आपको क्या करना है, ये जो है ना इसको प्रॉपर ऐसा तोड़ मोड़ के, मतलब ये पूरा ऐसा मिक्स विक्स करके आपको ये इसका एक रोल बनाना, गोल गोल सा बनाना है इसको। तो अभी यहाँ पे मुझे ये चिपकाना है। सो चलिए ट्राई करते हैं, मतलब इसको यहाँ से हम लोग अंदर डालेंगे ताकि ये पूरा कवर हो जाएगा ठीक से। प्रेस करने के बाद आपको ये यहाँ पे इसको चिपका देना है सही से, ताकि ये यहाँ से निकल ना जाए। ये कुछ इस तरह आपको इसको पैक करना है, ये आप देख सकते हो मैंने इसको चारों बाजू से पूरा दबा दबा के पूरा टाइट कर, मतलब पूरा पैक कर दिया। तो आई डोंट थिंक अभी यहाँ ये साइड से कहीं से पानी अंदर जाएगा। अब बारी है यहाँ की। सो अब यहाँ के लिए भी मैंने थोड़ा सा ये क्ले या जो भी है ब्लू स्टैक ये मैंने ले लिया है, तो अभी वही सेम प्रोसेस है। सो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं यहाँ पे इसको लगाने के लिए। तो ये कुछ इस तरह ये साइड का भी लगा के हो गया अपना। तो अभी आप देख सकते हो ये है जहाँ पे माइक का कनेक्शन है ये साइड। सो अभी दोनों साइड में लगा के ले लिया है। काफ़ी लोगों के मन में ये सवाल रहेगा कि भाई अभी ये तो सब कर दिया है, इसके अंदर बैटरी है, सब कुछ है, मेमोरी कार्ड है, तो जब मेमोरी कार्ड आपको डेटा ट्रांसफ़र करना है या फिर बैटरी चार्ज करनी है तो कैसे करना है? तो भाई देखो, दो ऑप्शंस है आपके पास। एक तो आपको ये साइड का ये थोड़ी देर के लिए जब आपको डेटा ट्रांसफ़र करना है तो आपको ये निकालना है, डेटा ट्रांसफ़र करना है, बैटरी चार्ज करना है, देन वापस ये लगाना है। या फिर दूसरा ऑप्शन है यहाँ पे आपके पास इस साइड में, जैसे यहाँ पे एक पोर्ट है आपको पता है, तो वो थोड़ा सा हल्का सा यहाँ से ये हटाना है, ऐसे ये देखिए ये ऐसे हट जाता है थोड़ा सा, तो इसको हटा के आप यहाँ से चार्जिंग भी कर सकते हो, डेटा ट्रांसफ़र, डेटा कॉपी भी कर सकते हो। तो ये दो ऑप्शन है। तो इसी प्रकार थोड़ी सी मेहनत करने के बाद
अपना मॉनसून के लिए, रेनी सीजन के लिए अपना गोप्रो का सेटअप रेडी हो गया है, बट अभी टेस्ट करना बाकी, क्योंकि सब कुछ लगा के तो हो गया बट टेस्ट नहीं किया। तो कुछ इस तरीके का लुक आता है, मतलब लुक नहीं है, लुक खराब हो जाता है इस तरीके का। तो वो जो हम लोगों ने लगाया ब्लू टैग, वो देखिए यहाँ पे एक है जहाँ से ये माइक एडाप्टर की कॉर्ड आपके गोब्रू में जाती है, और ये माइक का कॉर्ड है यहाँ पे लगा है। यहाँ पे एक चार्जिंग स्लॉट होता है यहाँ पे, अभी आपको दिख रहा है कि नहीं पता नहीं। तो ये पूरा मैंने अभी पैक कर लिया, और कुछ इस तरीके का लुक दिख रहा है मेरे इस हेलमेट का। आई नो बहुत गंदा लग रहा है, बट क्या कर सकते भाई, बचाना है इसको तो ये करना तो पड़ेगा। सो चलिए अब सीधे मिलते हैं। थोड़ा सा अलग अलग सिचुएशन में इसको रिकॉर्ड करेंगे, ताकि अपने को पता चलेगा कि आवाज़ आ रही है या नहीं आ रही है। तो ये अभी हम लोग हाईवे पे आ गए। आई होप आप लोगों को मेरी आवाज़ सही से आ रही होगी। थोड़ा स्पीड बढ़ा दे और देखते हैं। आपको अगर कुछ भी प्रॉब्लम लग रहा है साउंड क्वालिटी में या जो भी है, तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बता दीजिएगा, ताकि मैं और अच्छे से इसको बना सकूं। आई डोंट थिंक कोई प्रॉब्लम आ रहा होगा, क्योंकि वायर के साथ तो कोई छेड़खानी नहीं की है, जैसे वायर थी वहाँ पे ही है, सिर्फ उसको वो ब्लू स्टैक लगा दिया है। सो अभी जस्ट छोटी सी एरिया के एरिया में राइड करके घर पे आ गया, और मैंने फुटेज चेक किए जो आप लोगों ने अभी इसके पहले देखे, वो मैंने फुटेज चेक किए, काफ़ी अच्छा आवाज़ आ रहा है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। मुझे लगा था कि थोड़ा बहुत कुछ डिफरेंस आएगा, क्योंकि थोड़ा मॉडिफिकेशन करने की वजह से, बट कुछ भी आवाज़ में प्रॉब्लम नहीं है। वैसे तो एक्चुअली इसको मैं बारिश में ट्राई करना चाहता था, टेस्ट करना चाहता था, बट अब हुआ क्या है, जब से ये मैंने लगाया ना, मीन्स मेरे हेलमेट को वो जो ब्लू स्टैंक लगाया, तब से बारिश ही नहीं हो रही है यहाँ पे, मतलब मेरे एरिया में, तो वो टेस्ट नहीं कर पा रहा। बट आने वाले कुछ दिनों में ज़रूर बारिश होगी और अपना राइड भी होने वाला है। आई थिंक इस वीडियो के बाद जो नेक्स्ट वीक में जो वीडियो आएगा, वो डेफिनेटली राइड का ही होगा। तो अगर उस टाइम पे बारिश हुई, तो बारिश में भी टेस्ट हो जाएगा वो। तो मेरे जैसे आप अगर मोटो व्लॉग करते हो और बारिश में आपको डर लग रहा है कि आपका कैमरा कहीं भीग ना जाए और ख़राब ना हो जाए, तो इसके लिए मैं आपको रिकमेंड करूँगा ये ब्लू टैक। ये आप अमेजोन से परचेस कर सकते हो, इसकी डिस्क्रिप्शन में लिंक मैंने दे दी है अमेजोन की, तो आप वहाँ से परचेस कर लेना। सस्ता है, ज़्यादा महंगा नहीं है, और काफ़ी यूज़फुल है। कुछ दिनों से मैं चेक कर रहा हूँ, अब जो मेरा वीडियो है वो सिर्फ 10% सब्सक्राइबर लोग देखते हैं, और बाकी के 90% लोग ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब किया ही नहीं है। तो गाइस प्लीज़, अगर आपको वीडियोस पसंद आ रहे हैं, तो प्लीज़ गाइस सब्सक्राइब करो। सब्सक्राइब करने से थोड़ा मुझे मोटिवेशन मिलेगा, और मैं और अच्छे अच्छे वीडियोस आपके लिए हर वीक लेकर आया करूंगा, तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब करो। तो चलिए अभी इसी के साथ ये वीडियो यहाँ तक ही था। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा, थोड़ा सा भी इन्फॉर्मेटिव लगा है, तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और आपके कुछ थॉट्स या क्वेरीज है तो मुझे कमेंट में या फिर इंस्टाग्राम पर DM करके आप पूछ सकते हो। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया ना यार, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो यार, प्लीज़। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो डेफिनेटली राइड वाला वीडियो होगा, तो जुड़े रहिए, और उस वीडियो को भी बहुत सारा प्यार देना, जैसे आपने अभी तक सारे वीडियोस को प्यार दिया है। सो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। ये बहुत दिनों से नहीं किया था।